इस बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। देहरादून से बड़ी खबर, खाली जमीन को लीज पर देगा परिवहन निगम। जमीन को 90 साल की लीज पर देने के लिए टेंडर निकाला है, बड़ी जानकारी। ड्रोन होटल के पास की जमीन के लिए टेंडर निकाला गया है, बड़ी जानकारी। खाली जमीन पर लीज पर देगा परिवहन निगम, जमीन को 90 साल की लीज पर देने के लिए टेंडर निकाला है। ड्रोन होटल के पास की जमीन के लिए टेंडर निकाले गए हैं। निगम की करोड़ों की संपत्ति का चिन्हीकरण हुआ है। निगम ने सभी संपत्तियों का सर्वेक्षण कराया था, परिवहन मंत्री चंदन राम ने निर्देश दिए थे। बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां पर आपको बता दें कि खाली जमीन को लीज पर देगा परिवहन निगम। बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं, निगम ने सभी संपत्तियों का सर्वेक्षण कराया था, बड़ी जानकारी। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने निर्देश दिए थे, खाली जमीन को लीज पर परिवहन निगम देगा। जमीन को 90 साल की लीज पर देने के लिए टेंडर निकाला है। ड्रोन होटल के पास की जमीन के लिए टेंडर निकाला गया है। निगम की करोड़ों की संपत्ति का चिन्हीकरण हुआ है। निगम ने सभी संपत्तियों का सर्वेक्षण कराया था, परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने निर्देश दिए थे। बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे देहरादून से, जहां पर खाली जमीन को लीज पर परिवहन निगम देगा, जिसके लिए जमीन को 90 साल की लीज पर देने के लिए टेंडर निकाला गया है। ड्रोन होटल के पास की जमीन के लिए टेंडर निकाला गया है। निगम की करोड़ों की संपत्ति का चिन्हीकरण हुआ है, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी खबर पर उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। उपेंद्र, खाली जमीन को लीज पर परिवहन निगम देने के लिए टेंडर निकाला है, क्या कुछ विशेष जानकारी है? देखिए, जिस प्रकार से देखा गया है कि परिवहन निगम लंबे समय से प्रकार से घाटे में चल रहा है, और प्रकार से देखा गया है कि जो परिवहन मंत्री हैं चंदन राम दास, परिवहन निगम को घाटे से उबारने को लेकर हर कोशिश जो है वो कर रहे हैं, और ऐसे में कई सारी ऐसी जमीनें अभी परिवहन निगम के पास है जो खाली पड़ी हुई है, जिस पर कोई कार्य जो है परिवहन निगम की ओर से नहीं किया जा रहा है। ऐसे में उन जमीनों का को लेकर जो है वो लीज पर देने की बात जो है वो की जा रही है, कि जो ड्रोन होटल के समीप जो जमीन परिवहन निगम के पास है, उन जमीनों को 90 साल के लिए लीज पर देने की बात की है, जिसके लिए अब टेंडर जो है वो निकाला जाएगा, जिसमें कोई भी कॉमर्शियल भवन जो है वो बनाया जा सकता है, चाहे बिल्डिंग का हो, ग्रुप हाउसिंग हो, होम स्टे हो, पेट्रोल पंप हो, रिलेटेड कोई भी इंस्टीट्यूट, एजुकेशन बिल्डिंग, जो कि 90 साल तक वो लीज पर लिया जाएगा। इससे इसको लेकर जो है परिवहन मंत्री ने जो है वो निर्देश दिए गए हैं, और निगम की संपत्तियों का जो है वो सर्वेक्षण कराने को लेकर भी बातचीत जो है वो की जा रही है। और ऐसे में अगर जमीनों को अगर 90 साल के लिए लीज पर अगर दी जाती है, तो ऐसे में करोड़ों का फायदा जो है वो राजस्व जो है वो परिवहन निगम को मिल सकता है, क्योंकि जो लंबे समय से घाटे में जिस प्रकार से परिवहन विभाग चल रहा है, तो ऐसे में वो घाटे से उबारने की कोशिश जो है परिवहन विभाग के मंत्री जो है चंद्र राम दास वो कर रहे हैं, जिसको लेकर अब लीज पर जो है जमीन देने की जो है वो बातचीत की जा रही है। उपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जुड़ने के लिए, विशेष जानकारी देने के लिए। देहरादून से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर खाली जमीन को लीज पर परिवहन निगम देगा, 90 साल की लीज पर देने के लिए टेंडर निकाला है।